बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नी ग्रुप की तरफ से हय्या अल-फलाह कैंपेन माशाल्लाह अपनी तकमील के आखिरी मराहिल के ऊपर है। तो लास्ट ईयर जिस तरीके से हालात थे इंटरनेशनली, कोविड की वजह से बड़ी अनसर्टेनिटी थी, और जो हरम के अंदर ख़ास तौर पर एक मुबारक सा आती थी, लोग मिलकर अफ्तारी किया करते थे, वो सारे मामलात बिल्कुल स्टॉप कर दिए गए थे। मुसलमानों के दिलों में इस हवाले से एक बड़ा एक रिज़र्वेशन थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि हम अपने सोसाइटी में इस प्रोग्राम को करते हैं और एक इज्तमाही मामले को फ़रोग देते हैं। अमूमी तौर पर देखा गया कि हमारी जो नई नस्ल है इन तमाम चीज़ों से बड़ी दूर है, और उनको इन तमाम मजहबी इकदार के बारे में ना सिर्फ मालूम नहीं है बल्कि आपस में मिलना, एक दूसरे के साथ मसरूफ़ रहना, एक दूसरे के लिए केयर करना, इन तमाम चीज़ों से भी दूर है। इस पूरे सूरत हाल के ऊपर हमारी टीम ने यह प्लान किया कि हम एक ऐसा काम करने जाते हैं जिसके अंदर ना सिर्फ लोगों को जोड़े बल्कि जोड़ने के साथ साथ एक बेहतर तरीके से एक इज्तमाही अफ्तारी का बंदोबस्त भी हो। हय्या अल-फलाह यानी कि आइए नेकी की तरफ, फलाह की तरफ। आज इस रास्ते के ऊपर हम आए और हमारी कोशिश है कि इसके अंदर हम पूरी सोसाइटी के तमाम फैमिलीज़ को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको हम इंशाल्लाह लेकर चलें। और हमने इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये सोचा है कि जिस तरीके से हरम शरीफ के अंदर इज्तमाही अफ्तारी के अंदर लोग आपस में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ अफ्तारी के तमाम मामलात को मिलकर शेयर कर रहे हो, तो उसी तरीके से हम इंशाल्लाह पूरा सेटअप करेंगे। और ख़वातीन का एक अलहदा सेटअप होगा, हजरात का एक अलग सेटअप होगा। इस पूरे सिलसिले के अंदर ना सिर्फ ये के बयानात होंगे बल्कि नात, हम्द, बयानात और उसके अलावा जो कॉम्पटिशन हमने बच्चों के लिए रखे हैं वो मुकाबलों का कंक्लूजन भी होगा। अख्तदाम के ऊपर अफ्तारी और अफ्तारी के बाद मगरिब की बाजमात नमाज का अहतमाम ग्राउंड में हमने किया हुआ है, और उम्र का टिकट इसी दरमियान में किसी वक्त भी किसी एक खुश नसीब को निकालेगी हमारी टीम ताकि वह हमारा सलाम वहाँ पर पहुँचा सके। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें कोऑपरेट किया और इस पूरे मामले में हमारी हौसला अफजाई की। और बच्चों का जो रिस्पांस इसमें वीडियो कॉम्पटिशन के हवाले से आया है वो बड़ा शानदार आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक लर्निंग कर्व है, उसके ऊपर जो सीखने के मराहिल हैं वो हमने तय किए और आगे भी तय करेंगे। जो हम काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह संडे वाले दिन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, इसको हम मिलजुल कर करेंगे। कोई कमी बेशी कोताही हो जाएगी, इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो अगले साल इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। और ये जो मिलकर हम करेंगे मुत्तहिद होकर, मैं समझता हूँ कि इसी के अंदर बरकत है, तो आप लोग इसका ज़रूर हिस्सा बने, एक यादगार मुहिम का, एक यादगार कैंपेन का। इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात इतवार वाले दिन शाम 6 बजे सलीम जकी क्रिकेट ग्राउंड में होती है। बहुत शुक्रिया।